हाय गाइस, वेलकम टू ममताज किचन। आज हम हमारे किचन में इंस्टेंट पेड़ा बनाने जा रहे हैं, एकदम थापड़ी पेड़ा जैसा। काठियावाड़ी जो फेमस पेड़ा है वो हम यहाँ पे हमारी रसोई में बनाने जा रहे हैं। एकदम इजी और क्विक बन जाता है, 10 ही मिनट में आसानी से बन जाएगा, जो आप प्रसाद के लिए तैयार कर सकते हो। यहाँ एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है मैंने, इसमें आधा कप मिल्क लिया है और 3/4 कप यहाँ मैंने घर की मलाई यूज़ की है। दोनों को कंबाइन कर देंगे और उसको थोड़ी देर गैस पे मीडियम फ्लेम पे हम स्टीर करेंगे, जब तक उसमें बॉईल आ जाए और थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए तब तक हमें उसको पकाना है। ये पेड़ा घर पे आसानी से बन जाएगा फ्रेंड्स, और घर पे रहे सब इंग्रेडिएंट्स में ही ये बन जाता है, तो आप बाहर से भोग चढ़ाने के लिए लाने की वजह से घर पे ही बना सकते हैं। यहाँ मैंने आधा कप शुगर ऐड किया है, आप आपके स्वाद अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हो स्वाद अनुसार। अभी यहाँ शुगर डाइल्यूट हो तभी तक उसको मिक्स करना है। यहाँ मैंने 100 ग्राम खोया ले लिया है, अनस्वीटेड खोया है, उसको मैंने ग्रेटेड करके इसमें ऐड किया है। उसको प्रॉपर मिक्स कर देना है, लम्स ना रहे उसका प्रॉपर ध्यान रखना है। आप देख रहे हो कलर थोड़ा चेंज होता जा रहा है। यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच पनीर ग्रेटेड लिया है, उसको भी प्रॉपर मिक्स कर देते हैं। आप देख रहे हो कि अपना पेड़ा का मिक्सचर प्रॉपर तैयार है। थोड़ा ब्राउन रंग मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ब्राउन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, उसका कलर चेंज हो ही जाता है, बट डार्क कलर लाने के लिए मैंने यूज़ किया है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। ये पैन छोड़ रहा है तो ये गैस की फ्लेम में से निकाल देंगे और एक प्लेट में निकाल देते हैं जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। आप इसमें इलायची और ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ थाबड़ी पेड़ा का फ्लेवर दिया है इसीलिए अंदर यूज़ नहीं किया है। अभी हम इसमें से मीडियम साइज के पेड़े तैयार कर लेते हैं, एक के बाद एक ऐसे ही हम सभी पेड़े को तैयार कर लेंगे। ऊपर आलमंड जो मैंने स्लाइस में कट की थी उससे मैं गार्निश कर रही हूँ यहाँ पे, तो एकदम क्विक बन जाता है ये पेड़ा, तो घर पे आसानी से बनाएं यम्मी और डिलीशियस इंस्टेंट पेड़ा। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। आपने अभी तक मेरी चैनल ममताज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो की रेसिपी मिलती रहे, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दे जिससे नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तैयार है अपना इंस्टेंट थाबड़ी पेड़ा, तो आशा रखती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर और लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।